हरियाणा में इस दिन से शुरू होगी गर्मी की छुट्टियां। आई बड़ी खबर, समय से पहले गर्मी ने इस बार आमजन को परेशान कर दिया है। सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अब सरकारी आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गर्मी की छुट्टियों की। हरियाणा के स्कूलों में समय के बदलाव को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने पहली बयान जारी किया था कि अब गर्मी के प्रकोप को देखते हुए छुट्टियां कम करने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी कर स्कूलों के अब तक के लंबित कार्यों को 16 मई तक पूरे करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि MIS पोर्टल पर बच्चों की सभी जानकारी दुरुस्त की जाए। इस प्रपोजल में पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों की छुट्टियों का जिक्र किया गया है। अब देश की राजधानी दिल्ली सहित बिहार पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही छुट्टियों की घोषणा कर चुकी है। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में सभी छुट्टी की जा चुकी है। इसके अलावा अंडमान व निकोबार में पहले 2 महीने से ही स्कूल बंद है। हालांकि अंडमान व निकोबार में वर्तमान में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास था। हरियाणा प्रदेश में 10 मई को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में बिजली व वैकल्पिक व्यापक प्रबंध न होने के कारण शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार चिंतित है। हालांकि किस प्रदेश में कब छुट्टियां करनी है यह संबंधित सरकार ही और शिक्षा विभाग ही फैसला लेता है, लेकिन इस बार केंद्रीय शिक्षा विभाग इस प्रपोजल को तैयार कर चुका है। उधर हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग को स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में विचार करने के लिए कहा है। उन्होंने पहले बदलाव करने के लिए बयान जारी किया था। सरकार का कहना है कि तेज गर्मी को देखते हुए इस बार यह ऐलान किया है कि बच्चों की गर्मी की छुट्टियां जल्द ही घोषित की जाए। लगभग 1.5 महीने की गर्मी की छुट्टियां इस बार हरियाणा सरकार द्वारा की जा सकती है। यदि सरकार की योजना के अनुसार 16 मई से छुट्टियां घोषित की जाती है तो पूरे 1.5 महीने प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय दल द्वारा पहले ही 11 तारीख से छुट्टियां की जा चुकी है और उनकी 40 दिन की छुट्टियां हुई हैं। धन्यवाद।